हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे साबूदाना खीर और वो भी ये केसर फ्लेवर वाला। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। वैसे तो इसका कलर देख के आपको समझ आ गया होगा कि ये कितना बढ़िया बना होगा, ये केसर फ्लेवर वाला ये खीर। और इस साबूदाना का जो खीर है केसर फ्लेवर की वजह से इसका कलर भी बहुत अच्छा है, साथ ही साथ ही बहुत ही ज़्यादा भी अच्छा बना हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक छोटी कटोरी साबूदाना को भिगो के ले लिया था। आप चाहे तो उसे 2 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं या फिर उसे ओवरनाइट सोक कर सकते हैं आप। और यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए जैसे काजू और बादाम, आप चाहे तो अपने पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और यहाँ पे हम इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स को रफली चॉप कर लेंगे। और यहाँ पे समर जो है पीछे जेम्स और चॉकलेट खाता हुआ, और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स भी कट कर लिए। यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे हम। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले लिया, नॉन स्टिक कढ़ाई में मैं इसे बना रही हूँ। और इसमें हम 2 टेबल स्पून घी डाल देंगे। और यहाँ पे हम सबसे पहले ये ड्राई फ्रूट जो हमने कट करके रखा था उसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसे एकदम ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा रोस्ट हो जाने की वजह से इसका जो टेस्ट है वो जला हुआ लगता है। तो यहाँ पे इसे मैंने बस 1 मिनट के लिए इसे फ्राई किया है। और अब हम इसे इस तरीके से निकाल लेंगे। और अब यहाँ पे जो सोक किया हुआ साबूदाना है वो मैंने इसमें ले लिया है, और इसे हल्का सा फ्राई करेंगे, हल्का सा बस ट्रांसपेरेंट होने तक इसे। और अब आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया सा ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे मिल्क। तो यहाँ पे मैंने 1.5 ग्लास मिल्क ले लिया है, मिल्क जो ऑलरेडी मैंने बॉयल करके लिया हुआ है। और अब हम इसे एकदम बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लेंगे साबूदाना को मिल्क में। वैसे तो मैं इसे नॉनस्टिक कढ़ाई में बना रही, तो इस वजह से ये जो मिल्क है ये साबूदाना है जो नीचे इसमें नहीं चिपकेगा। लेकिन अगर आप किसी बर्तन में से गंजी वगैरह में बना रहे हैं तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि नीचे से जो है वो बिल्कुल भी ना चिपके और जले ना वो, क्योंकि इसका फ्लेवर भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे 10 मिनट हो चुके, अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने केसर ले लिया है। यहाँ पे हम 10 से 15 जो केसर के धागे इसमें डाल देंगे, जिससे इसका कलर जो बहुत बढ़िया भी आएगा, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है केसर का। और हम इसे 5 मिनट के लिए, और मैंने यहाँ पे इसे एकदम अच्छे से पका लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कलर भी कितना बड़े से चेंज हो चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी बॉल मैंने शुगर ले लिया है, और 3 इलायची को पाउडर करके ले लिया है। अब हम इसे एकदम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, और इसे 2 मिनट के लिए और अच्छे से जो शुगर है उसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और अब एकदम बढ़िया हमारा जो साबूदाना है एकदम बढ़िया बन के तैयार है। तो अब हम जो रोस्ट करके हमने ड्राई फ्रूट्स रखा था उसे डाल देंगे, और इसे भी एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे जो हमारा केसर फ्लेवर वाला जो साबूदाना खीर है वो तो एकदम बनके तैयार है। और वैसे तो इसे जो कंसिस्टेंसी वो इस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ठंडा होते जाएगा ये थोड़ा सा और गाढ़ा होते जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरीके से रखी है। और अब हम इसे सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अगर आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर इसे आप फ्रिज में रख के इसे ठंडा करके भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये रेसिपी तो बनके तैयार है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और आपकी रेसिपी कैसे बनी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।